आजकल सोशल मीडिया पर प्रदीप नाम के एक युवक की वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। उसके दृढ़ संकल्प को हर कोई सलाम कर रहा है। जिस तरह से आर्मी में जाने का उसका सपना और उसके जीवन के संघर्ष दोनों उसके लिए काफी जरूरी है, उस सभी के बारे में चर्चा हो रही है। नोएडा में जो संघर्ष प्रदीप भाई कर रहे हैं, प्रदीप मेहरा जी कर रहे हैं, कैसा संघर्ष है, उस संघर्ष की वानगी अगर हम घर की स्थिति भी देखें तो ये देखिएगा, ये इनका किचन है, एक छोटा सा किचन है, ये किचन है, ये किचन भी किसी के खेत में इनने बनाया है, ये भी अपना खेत नहीं है, ये इनका छोटा सा टॉयलेट है और इधर एक छोटा सा मकान है। वो प्रदीप है अल्मोड़ा की चौकुटिया का रहने वाला। हमारे सहयोगी हेमकांड पाल ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं और आपको बताते हैं कि आखिर प्रदीप कहाँ का रहने वाला है और उसके घर के हालात कैसे हैं। इनका गैस सिलेंडर यहाँ पर है, यहाँ पर ये सामान इनका पूरा रखा है, ये बेड है, इसी बेड में इनके पिताजी जो है त्रिलोक सिंह जी जो है सोते हैं। त्रिलोक सिंह जी आइए, तो आप क्या करते हैं, कैसे क्या काम करते हैं आप? काम तो लेबर में आने नहीं देते हैं। अच्छा, क्यों? परेशान कर देते हैं, काम करने नहीं देते जैसे काम करने पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, आज से नहीं बहुत टाइम से यहाँ के सैनिकों ने काम करके नहीं खाने दिया हमारे को, हमारे को उल्टा धमकी दे दिया, अगर काम करेगा तो बाद में मत बोलना कि आर्मी हमदार गुंडे हैं करके, और वैसे भी इन्होंने नहीं करा तब भी नुकसान कर दिया और करते तो तब भी नुकसान कर। तो आपके बेटे के बारे में पता है आपको, जो वायरल वीडियो? हाँ, दौड़ मैं बोला था मैं मेहनत करो अपना जी और अपने बल पे अपना ठीक रहो। और इन हालातों से जूझ कर भी वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अपने संघर्ष में जीवन की दास्तां को बयां करती कहानी से वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होकर देशवासियों की सहानुभूति के पात्र और युवाओं की प्रेरणा बने ग्राम पंचायत ढनाण के रहने वाले प्रदीप मेहरा के पिता त्रिलोक सिंह मेहरा है। उनके परिवार की घर की दयनीय आर्थिक स्थिति हर किसी को रुला कर रख देगी। कि पिताजी यहाँ परेशान है, माँ मरणासन स्थिति में है, 2 साल से उनका इलाज चल रहा है, घर के लोग बता रहे हैं 3-4 लाख रुपए कर्ज लेकर के उन्होंने इधर उधर से दोस्तों से मित्रों से कर्ज लेकर के किसी तरीके से उनका उपचार कर रहे हैं, लेकिन आगे की उनकी डगर भी काफी कठिन है। अगर उनको अगर मदद नहीं मिली, इनकी माँ को दवाई के लिए उपचार के लिए अगर मदद नहीं मिली तो इनकी माँ को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इनके लिए जो है विशेष व्यवस्था की जाए। 8x12 फीट के मकान में जीवन यापन करने वाले परिवार के सामने ऐसी चुनौतियां हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती। इस कमरे के अलावा दूसरे के खेत में बनाया गया एक जर्जर रसोई घर है, एक शौचालय है, पिता किसी तरह से कंकड़ तोड़कर लाता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपना पेट भरता है, इससे आगे की राह और मुश्किल होती है। विनोद कापड़ी के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से नोएडा में अपने संघर्ष में जीवन की दास्तां को बयां करती कहानी से चर्चित होकर देशवासियों की सहानुभूति का पात्र बना है प्रदीप। तो ये है, ये हालत है, ये सोचने प्रश्न है, इसके बारे में हमारे सत्ता के मठाधीशों को, तमाम तरह के लोगों को, समाज के लिए कार्य करने वाले स्वयंसेवियों को, इनके बारे में इनके लिए जरूर सोचना पड़ेगा कि आज प्रदीप देख लिए, एक तरफ प्रदीप संघर्ष कर रहा है, दिन भर वो होटल में नौकरी करता है, रात को वो 10 किलोमीटर पैदल चलता है और दौड़ लगाता है, सेना की तैयारी करता है, तो दूसरी ओर उनके पिता का भी संघर्ष कम नहीं है जो एक एक रोटी के लिए मोहताज है, एक एक दाने के लिए मोहताज है। हालात ऐसे हैं उसके घर के कि पूरी कहानी सुनकर अनायास बहने वाले अश्रुधार को रोक पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। प्रदीप के पिता की उम्र लगभग 49 है, न जमीन है न पालतू जानवर, पत्नी बीना देवी बीमार है, इसके बाद तो जैसे परिवार के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पत्नी की गंभीर बीमारी और मित्र और दोस्तों आदि से भारी कर्ज उनके ऊपर और बोझ डाल रहा है। पत्नी का उपचार दिल्ली में हो रहा है जो किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर इलाज करा रही है। वक्त वक्त पर दोनों बेटे वहीं पर माँ की देखभाल भी करते हैं। प्रदीप के गांव में भी महज 8x12 फीट का एक छोटा सा कमरा है, परिवार के लोग इसी कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इन दिनों घर पर पिता त्रिलोक सिंह रहते हैं अकेले। इस कमरे के पास दूसरे के खेत में बनाई गई एक रसोई है जिसमें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है। जब घर के सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो फिर गैस का इस्तेमाल भी करते हैं। प्रदीप का परिवार ग्राम पंचायत ढनाण का सबसे गरीब परिवार है। गांव के लोग बताते हैं कि इस परिवार की माली हालत बहुत खराब है। परिवार के पास कुछ भी नहीं, जमीन पहले से नहीं थी जबकि मां की बीमारी के बाद मवेशियों को बेचना पड़ा। पड़ोस में रहने वाले जयपाल सिंह बताते हैं कि प्रदीप के परिवार का मकान जब बन रहा था उस वक्त कई महीनों तक उन्होंने उनके परिवार को अपने मकान में शरण दी। हालांकि आप खुद देखिए कि ग्राउंड पर जाकर हमारे सहयोगी ने
प्रदीप के पिता से बातचीत की है और उनके हालात के बारे में तमाम जानकारी साझा की है।